हेलो दोस्तों, मैं अजय राजपुरोहित। तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम कम्युनिटी पोस्ट में डाला था क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के बारे में, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं आपकी तरफ से। तो कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं उनमें से और कोशिश करते हैं उनका रिप्लाई देने की। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाय सर, आई एम इंस्पायर्ड फ्रॉम योर जर्नी। आई स्टार्टेड सेलिंग ऑन अमेजोन। माई प्रोडक्ट्स आर हैंडमेड टॉयज फ्रॉम लोकल आर्टिस्ट। प्लीज़ सजेस्ट मी सम स्ट्रेटजी टू ग्रो माई सेल्स। देखिए, इसके ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी बना के रखी हुई है, अगर आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए अपना बिज़नेस जो है वो लेके जाने की सोच रहे हैं और उसे ग्रो करने की सोच रहे हैं, तो एक चीज़ आप कीजिए कि आप अपने ब्रांड से जो है वो प्रोडक्ट सेलिंग करना शुरू कीजिए। आप अपना प्राइवेट लेबल बनाइए, आप अपना ब्रांड बनाइए, जिससे क्या होगा कि एक तो आपकी ब्रांड वैल्यू क्रिएट होगी और आप मार्केट प्लेसेस पे भी लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, वहाँ पे भी लॉन्ग टाइम के लिए अपना बिजनेस जो है वो कर पाओगे। क्योंकि जब आप अपना खुद का ब्रांड लेके चलते हो तो उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स जो है वो आपको मिलते हैं, और क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं इसके ऊपर भी मैंने डिटेल्ड वीडियो डाली है, अगर आप चाहें तो आप उसे देख सकते हैं। तो अपना खुद का ब्रांड बनाना सबसे अच्छी स्ट्रेटजी होती है अगर आप अमेजोन पर सेलिंग करना चाहते हैं या फ्लिपकार्ट पर सेलिंग करना चाहते हैं। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुकिंग फॉर स्टार्ट माई ओन ई कॉमर्स साइट, नीड ए वीडियो ऑन दैट एंड सजेशंस टू। तो देखिए, इसके ऊपर मैंने ना एक डिटेल्ड वीडियो बना के रखी हुई है कि हम अपने खुद की ई कॉमर्स साइट जो है वो कैसे शुरू कर सकते हैं। अगर इस वीडियो में मैं सारी बातें बताऊंगा तो टाइम बहुत कम बचेगा हमारे पास में, और बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो इस चीज़ में चला जाएगा। और सारी डिटेल जो मैंने है ऑलरेडी उस वीडियो में डाल दी है, तो आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद में अगर आपके कोई भी डाउट या क्वेश्चंस रहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई फैशन ई कॉमर्स बिजनेस। आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट क्रिएटिंग एंड्रॉयड ऐप, बट आई हैव मच टाइम टू लर्न इट। सजेस्ट मी अ सोर्स ऑफ लर्निंग, और इज इट ओके आई विल स्पेंड मच मनी टू हायर ए एंड्रॉयड डेवलपर, विच वे विल बी बेस्ट फॉर मी। देखिए, ऐसा होता है कि सबसे पहले अगर बात करें सोर्स ऑफ लर्निंग की, तो इंटरनेट पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ से आप इन सब चीज़ों को सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, अगर आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है, तो आपके लिए हो सकता है मुश्किल हो और इसमें काफ़ी टाइम भी जो है वो आपका लग जाए। अगर आपके पास में एनफ बजट है, अगर आपके पास में एनफ अमाउंट है इस चीज़ पे स्पेंड करने के लिए कि भी आप जो है वो डेवलपर हायर कर सके, तो वो थोड़ा सा इजी रहेगा। इसमें क्या होता है कि फिर आपको डेवलपिंग पे और उन सब चीज़ों पे फोकस नहीं करना पड़ेगा, आप जो है वो अपने कोर बिजनेस पे फोकस कर सकते हो। वहीं दूसरी तरफ अगर आप खुद एंड्रॉयड ऐप डेवलप करने की सोचेंगे तो वहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो चला जाएगा। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिर हम ऐप जो है वही डेवलप करते रहें और हमारा जो ध्यान है वो बिज़नेस से हटके सिर्फ ऐप पे ही रह जाए। तो यहाँ पे जैसे कि आप फैशन ई कॉमर्स बिज़नेस करना चाहते हैं, तो अगर आपके पास में एनफ अमाउंट है तो बेटर रहेगा कि आप कोई डेवलपर हायर कर लें, और अगर आपके पास में टाइम है और आपको सीखने की इच्छा है या आप चाहते हैं कि भाई मैं खुद ही सीखूँ इस चीज़ को या फिर खुद ही करूँ, तो आप इस चीज़ को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर हाउ टू रिसर्च न्यू प्रोडक्ट टू सेल, मोर डिटेल्स। देखिए, इसके ऊपर मैंने ना शायद तक एक या दो वीडियो बना के रखी हुई है। एक में तो मैंने बताया कि भाई हम कैसे ई कॉमर्स बिजनेस के लिए प्रोडक्ट जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, और दूसरे में अपनी भी कुछ स्ट्रेटजी शेयर की है कि भाई मैं कैसे प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ ऑनलाइन सेलिंग के लिए। आप दोनों वीडियोज़ देख लीजिए, उसके बाद में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है या कोई भी डाउट रहता है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर, वीडियो फॉर लिस्टिंग प्रोडक्ट्स ऑन अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट ऑफ नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स और प्रोवाइड ट्रेनिंग। जी देखिए, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना के रखी हुई है अमेजोन पे। देखिए, अगर आप नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको GTN एग्जम्पशन लेना पड़ेगा। अगर आप अपने ब्रांड से सेल करना चाहते हैं तो भी आपको GTN एग्जम्पशन लेना पड़ेगा। अगर आप जेनरिक प्रोडक्ट जो है वो सेल करना चाहते हैं तो भी आपको GTN एग्जम्पशन जो है वो वहाँ पे लेना होगा। एक बार जब आप GTN एग्जम्पशन ले लेते हैं तो उसके बाद आप अपने जो प्रोडक्ट है वो लिस्ट कर सकते हैं। मैंने दोनों के ऊपर वीडियो बना के रखी हुई है। पहली वीडियो है GTN एग्जम्पशन के ऊपर, आप एक बार उसे देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि भाई GTN एग्जम्पशन जो है वो हम कैसे ले सकते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैंने बना के रखी है प्रोडक्ट लिस्टिंग के ऊपर, तो आप एक बार उसे भी देख लीजिए, तो आपके जो दोनों डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ टू क्रिएट अकाउंट ऑन अमेजोन लोकल शॉप, और अमेजोन लोकल शॉप से भी रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन हैं, तो सबका एक में ही आंसर देने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अमेजोन लोकल शॉप बेसिकली क्या होता है कि अगर आपके पास में कोई भी फिजिकल रिटेल स्टोर है, आपकी कोई भी लोकल दुकान है आपकी किसी भी एरिया में, और आप उसे ऑनलाइन करना चाहते हैं अमेजोन के थ्रू, तो आप अमेजोन लोकल शॉप पे जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। इससे आपको क्या बेनिफिट मिलता है कि सबसे पहले तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिखाया गया कि इंक्रीज विजिबिलिटी, तो इसमें क्या होता है कि एक तो आपके प्रोडक्ट्स को अमेजोन पे जब आप लोकल शॉप से रजिस्टर करते हैं तो आपके प्रोडक्ट को प्राइम बेस मिल जाता है। दूसरा क्या होता है कि आपके एरिया से अगर कोई भी कस्टमर प्रोडक्ट सर्च करता है और वो प्रोडक्ट अगर आप सेल कर रहे हो, तो
आपकी ऑफर्स को, आपकी लिस्टिंग को जो है वो वहाँ पे प्रेफरेंस मिलती है बाकी सेलर्स के मुकाबले, क्योंकि आप जो है वो कस्टमर के एकदम नज़दीकी सेलर्स में हो और आपके पास में एबिलिटी है उस प्रोडक्ट को कस्टमर को फास्ट डिलीवर करवाने की। तो एक तो ये बेनिफिट मिलता है, दूसरा ये होता है कि आपकी सेल जो है वो भी बूस्ट होती है। यहाँ पे सेल बूस्ट होने का मतलब ये है कि अगर आप फिज़िकल रिटेल शॉप चला रहे हो तो आपके जो कस्टमर ऑलरेडी है वो तो है ही, लेकिन जब आप अमेज़ोन पर रजिस्टर कर देते हो तो उसके बाद में आपकी जो कस्टमर्स बेस है वो बढ़ जाता है। क्योंकि देखिए अमेज़ोन के पास में बहुत बड़ा कस्टमर बेस है और आपके एरिया के भी जितने कस्टमर हैं वो भी जो अमेज़ोन पे है वो भी आपकी लोकल शॉप के थ्रू जो है वो परचेज़ कर सकते हैं, तो आपके जो कस्टमर बेस है वो भी इसमें बढ़ जाता है। इसमें नेक्स्ट बेनिफिट ये आता है कि फ्लेक्सिबिलिटी का। इसमें क्या होता है कि भी आप खुद भी जो है वो कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर करवा सकते हो या फिर आप कुरियर कंपनी की भी जो है मदद ले सकते हो। वो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भी आपके लिए कौन सा जो है वो कन्वीनियंट है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप ये चाहते हो कि भी जब भी आपको कोई ऑर्डर रिसीव हुए तो आपका जो डिलीवरी पर्सन है वो कस्टमर को जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर करे, तो आपके पास में वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। या फिर अगर आप चाहते हो कि जब भी आपको ऑर्डर रिसीव हो तो आप जो है वो कुरियर के थ्रू कस्टमर को ऑर्डर जो है वो भेज दें, तो वो भी ऑप्शन आपको अवेलेबल है। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं इसकी रिक्वायरमेंट्स की, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपके पास में एक फ़िज़िकल स्टोर होना चाहिए। फिज़िकल स्टोर होना चाहिए, रिटेल शॉप होनी चाहिए, किराना स्टोर होना चाहिए। उसके बाद में आपके पास में एबिलिटी होनी चाहिए कि आप कस्टमर को जो प्रोडक्ट है या तो सेम डे या नेक्स्ट डे जो है वो डिलीवर कर पाओ। चाहे आप अपने खुद के डिलीवरी पर्सन से वो उसको प्रोडक्ट को डिलीवर करवाओ, चाहे आप किसी कुरियर कंपनी से करवाओ, वो चाहे कैसे भी करवाओ, वो आपके कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग है, लेकिन आप सेम डे या नेक्स्ट डे जो है वो कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर करवा सको। तीसरी चीज़ है जो मैंडेटरी नहीं है लेकिन अगर हो तो अच्छा है। इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनमें एडिशनल सर्विस की ज़रूरत होती है, इंस्टॉलेशन की ज़रूरत होती है, कस्टमर को डेमो देने की ज़रूरत होती है, तो उसकी अगर आपके पास में एबिलिटी है कि जब कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर हो तो उसके साथ में आप उस प्रोडक्ट का डेमो दे सकें, उसको इंस्टॉल कर सकें या फिर उससे रिलेटेड जो सर्विस है वो दे सकें, तो वो ज़्यादा अच्छी रहती है। तो अगर हम इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं तो हम यहाँ पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास में दो ऑप्शन मिलते हैं कि हम ऑलरेडी अमेज़न के सेलर हैं या नहीं हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर हम ऑलरेडी अमेज़न के सेलर नहीं हैं तो हमें यहाँ पे हमारी बाकी डिटेल्स डालनी होती है, जैसे हमारा नाम, उसके बाद में ईमेल, उसके बाद में मोबाइल नंबर, उसके बाद में अल्टरनेट मोबाइल नंबर और अपनी शॉप का नाम। जब हम यहाँ पे हमारी डिटेल्स सबमिट करते हैं तो अमेज़न की तरफ से हमें कॉल आएगा, वो हमें कॉन्टैक्ट करेंगे और हमें जो है उस पर ऑनबोर्ड करवा देंगे। अब इसमें जो कमीशन रहता है वो कमीशन सेम रहता है, जो कि अमेज़न सेलर को जो कमीशन लगता है वही अमेज़न लोकल शॉप का कमीशन जो है वो रहता है। इसमें आपको सिर्फ कोरियर में बेनिफिट ये हो सकता है कि अगर आप अपने खुद के डिलीवरी पर्सन से इसको पार्सल को डिलीवर करवा दें हैं कस्टमर को, तो उसमें हो सकता है आपको कुछ बेनिफिट जो है वो मिल जाए। इससे रिलेटेड काफ़ी FAQs भी जो है वो अमेज़न के पेज पर दिए गए हैं, आप चाहें तो आप उन्हें पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीन कुमार की तरफ से, वो बोलते हैं कि हाई अर्जुन, योर वीडियोज़ आर रियली हेल्पफुल। थैंक यू नवीन भाई वीडियोस को देखने के लिए। वो बोलते हैं कि आई वुड लाइक टू नो अबाउट ट्रेडमार्क, इफ़ यू सेल अंडर डिफरेंट कैटेगरीज डू यू अप्लाई फॉर ट्रेडमार्क फॉर ईच कैटेगरी और डू यू वेट फॉर हाई सेलिंग प्रोडक्ट एंड देन रजिस्टर फॉर ट्रेडमार्क। आई डील्स इन डिफरेंट कैटेगरीज, वॉन्टेड टू नो शुड आई अप्लाई फॉर ट्रेडमार्क फॉर ईच कैटेगरीज बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी कॉस्टली, थैंक्स नवीन। देखिए नवीन जी, ऐसा है कि अगर हम पांच कैटेगरीज में डील करते हैं और पांचों की जो ट्रेडमार्क क्लास है वो अलग अलग है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा सेल जो है वो कौन सी कैटेगरी में हमें मिल रही है और कौन सी कैटेगरी में हम इन फ्यूचर अपना जो बिज़नेस है वो ग्रो करना चाहते हैं। तो अगर ऐसा मान लीजिए कि पांच में से तीन कैटेगरीज ऐसी है जिनमें से हमें अच्छी सेल मिल रही है और हमारा जो बिज़नेस है वो उनके ऊपर डिपेंडेड है, उन कैटेगरीज पर डिपेंडेड है, तो पहले हम उन कैटेगरीज में जो है वो ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा सकते हैं। और दो कैटेगरी हमारे पास में ऐसी है जिनके ऊपर हमारी सेल जो है वो बहुत कम आ रही है या फिर नए के बराबर आ रही है, तो उनमें हम हो सकता है कि उनमें रजिस्टर नए करवाएं या फिर उनमें बाद में रजिस्टर करवाएं जब हमें सेल्स मिली जो है वो शुरू हो जाए। वो डिपेंड करता है हमारे बिज़नेस की स्ट्रेटेजी कैसी है। हम एक साथ पाँचों कैटेगरीज में भी डील ट्रेडमार्क जो है वो रजिस्टर करवा सकते हैं या फिर हम वेट कर सकते हैं कि भाई हमारी सेल जो है वो हमें मिले तभी हम ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाएं। देखिए क्या होता है कि अगर हम ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं करवाते हैं तो इसके कई बार हमें नुकसान हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं करवाया, हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ऑनलाइन अमेज़ोन पे किसी भी मार्केट प्लेस पे, तो ये हो जाता है कि भाई बाकी सेलर जो है वो भी अपनी जो लिस्टिंग्स है वो हमारे प्रोडक्ट के अंडर में कर देते हैं, प्रोडक्ट मैपिंग जो है वो कर देते हैं और हम उनके ऊपर जो है वो एक्शन नहीं ले सकते हैं। दूसरा ये होता है कि फॉर एग्जांपल हमने ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं करवाया और
उसी नाम से किसी दूसरे पर्सन ने ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लिया तो उसके जो आईपी राइट्स है वो उसके पास में चले जाते हैं और फिर हमें उस नाम को छोड़ना पड़ता है या फिर हम उस नाम से जो बिजनेस है वो नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, अगर आपको शुरुआत में आपके पास में बजट नहीं है सभी ट्रेडमार्क जो है वो रजिस्टर करवाने के लिए, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जिनमें आपकी ज़्यादा सेल्स हो रही है या फिर जो जिन पे आपका कंप्लीट बिजनेस डिपेंड है उस कैटेगरी में आप जो है वो ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लीजिए। बाद में जब आपको लगता है कि बाकी कैटेगरीज में भी आपकी सेल जो है वो इंक्रीज हो रही है, बाकी कैटेगरीज में आपको अच्छी सेल्स मिली है, तो उन पे आप जो है वो बाद में करवा सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस परस्पेक्टिव से इस चीज़ को देखते हो, आप किस तरीके से इसे देखते हो, फ्यूचर प्लानिंग जो है वो उसको लेकर आपकी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर, क्या मैं 50,000 आरएस से ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ और मिनिमम बजट क्या चाहिए ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए? देखिए, मैं इसके ऊपर जो है वो डिटेल वीडियो आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा अपने चैनल के ऊपर। बेसिकली ये होता है कि जो 50,000 से हम बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों पे हमें कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो कैसे हैं और हमारे प्रोडक्ट्स की कॉस्टिंग क्या है और जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं ऑनलाइन बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, क्या वो हमारे पास में ऑलरेडी अवेलेबल है या फिर उनकी अवेलेबिलिटी भी हमें उन 50,000 रुपये से ही करवानी पड़ेगी। अगर हमारे पास में कुछ भी अवेलेबल नहीं है, लाइक प्रिंटर हो गया, कंप्यूटर हो गया, उसके बाद में इंटरनेट कनेक्शन हो गया, वर्क स्पेस हो गया, अगर हमारे पास में ये भी नहीं है तो हो सकता है हमें मुश्किल हो 50,000 रुपये से बिज़नेस शुरू करने में और हो सकता है हम ना कर पाए। लेकिन हमारे पास में बेसिक चीज़ें अवेलेबल है ये सारी, तो हम 50,000 रुपये में शुरुआत जो है वो इसकी कर सकते हैं। वो देखिए डिपेंड करता है कि हमारे पास में अवेलेबिलिटी क्या है, प्रोडक्ट्स कैसे हैं। मैं डिटेल वीडियो इसके ऊपर आपके साथ में शेयर कर दूंगा, तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में, बहुत जल्द आपको इसके ऊपर भी वीडियो जो है वो मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चंस थे आपकी तरफ से, तो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।